नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पर वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है और आपको तुरंत अपना पैन कार्ड बनवाना है तो आज की वीडियो में आपको ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका जो पैन कार्ड है उसको बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना रहता है, बिल्कुल फ्री के अंदर आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक नया पैन कार्ड को बनाने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर आना रहेगा। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन होने वाला है। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्विक लिंक का एक ऑप्शन दिखाई देता है, उसके नीचे आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंस्टेंट ई पेन का। सिंपली आपको इंस्टेंट ई पेन के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, जहां पर आपको बताया गया है कि आप अपना इजी और पेपरलेस प्रोसेस से आपका पैन कार्ड है उसको बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपका पैन कार्ड बनने वाला है और ये जो पैन कार्ड है आपका 100% वैलिड है फिजिकल पैन कार्ड की तरह ही। इसके साथ में ही आपका पैन कार्ड को अलग से आधार कार्ड के साथ में लिंक करवाने की जरूरत नहीं है, आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक हो जाता है। तो पैन कार्ड को बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, गेट न्यू ई पेन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर गेट न्यू ई पेन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ से आप अपना पैन कार्ड है उसको बना सकते हैं। पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपके जो 12 डिजिट के आधार कार्ड नंबर है वो एंटर करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आने वाला है, जहाँ पर आपको कुछ एक टर्म एंड कंडीशन बताई गई है जिसके माध्यम से आपको KYC कंप्लीट करनी रहेगी। नीचे आने आई एग्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड के जो OTP है वो आप यहाँ पर एंटर कर देते हैं, इसके बाद में आपको वापस से नीचे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कंटिन्यू का बटन आ जाता है जिस पर आपको क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप कंटिन्यू का बटन पे क्लिक करेंगे आपका आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है और आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच हो जाती है। इस डिटेल को आपको यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में अगर आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नीचे आपको सबमिट करना रहता है। अगर आपके आधार कार्ड के साथ में कोई भी ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं है तो आपको कुछ इस तरह से नीचे एक ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ पर आपको लिंक ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, सेंड OTP के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाता है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP एंटर करके सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद में आपको आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है और आपका जो ई पेन है वो यहाँ पर जनरेट हो जाता है। इसके बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको वेट करना रहता है। इसके बाद में आपको वापस से गो टू लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो टू लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं वापस आप होम पेज पर आ जाते हैं। इसके बाद में आपको इंस्टेंट ई पेन के ऑप्शन पर वापस से क्लिक करना है, सेम पेज आपके सामने ओपन होने वाला है। इसके बाद में आपको चेक स्टेटस / डाउनलोड पेन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर आते हैं आने के बाद में आपको चेक स्टेटस एंड डाउनलोड के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज पर आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। आपका जो पेन है यहाँ पर सक्सेसफुली अलॉट हो चुका है, इसके बाद में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड ई पेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिस पर आप क्लिक करके आपका जो पैन कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पैन कार्ड को यहाँ पर देखना चाहते हैं कि किस तरह से बना है तो आपको व्यू ई पेन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। व्यू ई पेन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड ई पेन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पासवर्ड पूछा जाता है, जहां पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको नंबर्स के अंदर लगानी रहती है, किसी भी गैप के बगैर, किसी भी स्पेस के बगैर। जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर कंटिन्यू एंटर कर देते हैं इसके बाद में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आपका जो पैन लेटर है वो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। इसके नीचे आपका जो पैन कार्ड है उसकी कॉपी आपको देखने को मिल जाती है, जिसको कि आप कट करा के प्रिंट करवा के रख सकते हैं लेमिनेट करवा के। ये जो पैन कार्ड है आपका 100% वैलिड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अलावा इस पैन कार्ड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इस तरह से आप आसानी से अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से आपका जो इंस्टेंट पैन कार्ड है उसको बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट,
सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। इसके अलावा आपको पैन कार्ड के अंदर आधार कार्ड को भी लिंक करवाने की जरूरत नहीं रहती, ऑटोमेटिकली आपका आधार कार्ड है यहाँ पर लिंक हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों पैन कार्ड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, अपना पैन कार्ड बनवा सके। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।